Guys, now we are here at our third destination, Naina Devi Temple. It's beautiful, man. It's peaceful. Good morning, guys. So this is how my morning start. मतलब ऐसे जबरदस्ती का उठो और फिर ऐसे एक दो घंटे तक बेड में बैठे रहो literally. यार यहाँ पे बहुत ठंड है. It's almost 9:20 and अभी तक बाहर धूप नहीं आई है. बिल्कुल घनघोर कोहरा छाया हुआ है और उठने का मन ही नहीं करता यार ऐसे में बैठ से. बट इट्स संडे टुडे एंड डेट क्या है आज 28 जैन एंड गुड्स और मोहिनी जी का है ऑफ. वी हैव प्लान. तो हमने डिसाइड करा है कि आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं बिलासपुर शहर से बाहर. तो उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. बट इट्स टू मच ठंड हियर. तो अभी थोड़ा उठते हैं, फ्रेश होते हैं, विंडो व्यू जिसमें बाहर धूप का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, बस इतनी ठंड है ना सुबह वाली ठंड. ओह गॉड. और ये है गुड्स. गुड्स उठ जाओ. गुड्स दीदी को नहीं उठना है. ये है माहौल कुछ इस टाइप का. और मोहिनी दी यहाँ सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं, मतलब जाने के लिए इतने एक्साइटेड है, ऐसे एनर्जेटिक हो के पूरे 8 बजे उठे हैं मेहनत से. साढ़े आठ है. सी हाय. हेलो. अभी रेडी होने दो. ओके सी या सून. गाइस गुड्स उठने का नाम नहीं ले रही है बट इसने प्रॉमिस कर रहा था कि ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी. गुड्स उठो फिर. और हम यहाँ तैयार होके बैठे हैं. And here we are ready to go. अभी हम रूम से निकल चुके हैं, बिल्कुल रेडी होके ब्यू चीज जा रही है मुझे इग्नोर करते हुए. तो अभी बज रहे हैं 11 और 12 नहीं 1, पता नहीं क्या करा हमने यार. तो हमें काफी लेट हो गया. तो अभी निकल रहे हैं हम रूम से एंड आई विल लेट यू नो हम जा कहाँ रहे हैं एक्चुअली. एंड गाइज फाइनली हियर वी आर. हम पहुँच चुके हैं कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा. मैं दिखाती हूँ आपको. It's really beautiful location, man. मैं कभी नहीं आई गुरुद्वारा. This is my first time, let me tell you. तो मैं गुड्स और मोहिनी दी के साथ आई, उनसे भी मिलवा देती हूँ और आपको ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा दिखाती हूँ. ये है ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा. वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल यार. ऐसे प्यारी प्यारी थोड़ी थोड़ी सी फॉग है और इतना प्यारा व्यू है. मैं पहली बार आ रही हूँ और टू बी ऑनेस्ट इतना सुंदर है यार. अमेजिंग. और आते ही इनके यहाँ पे फोटोग्राफी शुरू हो गई है. मोहिनी दी गुड्स एंड ये प्यारा सा गुरुद्वारा हमारी डेस्टिनेशन आज की. एंड वन मोर थिंग गाइज, अभी हमें एक अंकल मिले, उन्होंने हमें बताया कि अपना हेड ढक के जाना है अंदर. सो वी गोना फॉलो दिस. सो अभी हम जा ही रहे, मतलब एंटर करने वाले हैं. एंड वो जैसे बटरफ्लाईज आ रही है स्टमक में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ गुरुद्वारा यार. तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है सब कुछ और मैं आपको भी बताती रहूँगी. तो ये हम पहुंच चुके हैं और हमें पता नहीं चल रहा है एंट्री कहाँ से है. यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, उधर है शायद, उधर को हम जाएंगे. सबसे पहले यहाँ शूज़ उतारेंगे अपने. और अभी हम अंदर से दर्शन करके निकले बाहर. ये देखिए ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा कीरतपुर का. एंड अंदर हमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसलिए मैं अंदर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर पाई. सो अभी हम बाहर है, बाहर का व्यू मैं आपको दिखा सकती हूँ अच्छे से. ये हमें प्रसादा मिला है अभी अंदर से गुरुद्वारा. मैं मतलब गुड्स के साथ फर्स्ट ट्रिप नहीं, सेकंड थर्ड ट्रिप पे ये गुड्स के साथ है मेरी. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑल ओवर. इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. अभी तक तो बहुत अच्छे ही जा रहा है सब. तो हम दर्शन करके जा रहे हैं अभी वापस और मुझे बहुत मजा आया यार. मैं बता रही हूँ ना अगेन, इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. अभी हम ये वाली गुरुद्वारा गए, अभी यहाँ पास में एक और गुरुद्वारा है, वी विल विजिट दैट टू. मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अजीबा. तो हम वहीं जाएंगे इसके बाद. एंड वी आर हेयर. हम पहुँच चुके हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के बिल्कुल बाहर. तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू गुरुद्वारा और सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा है यहाँ पे. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है वाओ, लुक इट्स अ व्यू दैट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड वो है गुरुद्वारा और भी है अंदर जाके, मैं आपको दिखाऊंगी. वहाँ पे भी एक है. लेट्स गो गाइज. फाइनली वी आर हेयर. मैंने आपको गुरुद्वारा तो दिखा दिया एंड ये है अजूबा. कितना ब्यूटीफुल है यार ये.
बट आवर बैड मैन, आज ये बंद है सफाई के पर्पज से, तो ये फर्स्ट फेब से ही खुलेगा, इसलिए हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा इसे. और आप लोग भी बाहर से ही देखो यार, दिल विल टूट गया मेरा सीरियसली. सो गाइज, इट्स आवर बैड कि हम बाहर से ही देख पा रहे हैं सिर्फ अजूबा को. यहाँ पे लिखा है रियासत ए खालसा, ऐसे कुछ लिखा है विरासत ए खालसा. एंड वन मोर थिंग, तो ये 31st तक क्लोज रहेगा. यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी है, हमने गार्ड सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उन्होंने कहा कि ये 1st फेब को खुलेगा, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते. एंड हमें बाहर से ही देख के जाना पड़ेगा वापस. है और ये चल रही है इनकी फोटोशूट, और ये विजिटर्स आए हैं जो बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं हमारी तरह, अनलकी वन, वी आर वन ऑफ. तो गाइज अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाय बाय बोलते हुए वापस. यार ये सच में ब्यूटीफुल है, वाओ. तो ये गुरुद्वारे के बाहर यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह है, और खाने को भी बहुत कुछ है, टिक्की छोले कुलचे एंड ऑल. मुझे तो बड़ी क्रेविंग हो रही है, पर पहले हम जाएंगे गुरुद्वारा. और ये है हम गुरुद्वारा के बिल्कुल बाहर. यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है शायद, तो मुझे फोन साइड में रखना पड़ेगा. अभी हम अंदर से दर्शन करके बाहर आ जाता है, और मुझे इतना प्यारा पीस सुकून, मतलब इट वॉज रियली अमेजिंग. अब हम जाएंगे कुछ खाने पे, पूजा करने, कुछ टेस्टी स्पाइसी और यम्मी. और ये हमें प्रसाद मिला है अगेन. एंड लुक गाइज, ये लोग ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हमारे इंतजार में. नॉर्मल बोला था, पता ये इनकी नॉर्मल मिर्ची है. मिर्ची इतनी ज्यादा मिर्ची थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती. एंड नाउ वी कैन हैव आइसक्रीम. चीयर्स गाइस, चीयर्स. सो गाइस, नाउ वी आर लीविंग, इट्स पैकअप टाइम. अब हम जा रहे हैं वापस. गाइस कहाँ जा रहे हैं अब हम? मुझे कोई भाव ही नहीं देता यार, मैं अकेली बकवास कर रही होती हूँ. ठीक है यार, देखो इनको पता नहीं कौन सी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चली हुई है इनकी. निकले यार वो. थर्ड डेस्टिनेशन नैना देवी टेम्पल. अभी हम पहुंच गए हैं नैना देवी. यहाँ से हमें चढ़नी है अभी स्टेयर्स, जो बहुत सारी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. पहले दिखाती हूँ यहाँ का व्यू. और इवनिंग टाइम है, अभी ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, बट आई विल ट्राई. वी आर, और हमें यहाँ से चलना शुरू करना है अभी. सो लेट्स गो. इसकी एनर्जी चाहिए ऊपर जाने को. यहाँ से ऑन फुट जाना है 1 किलोमीटर ऊपर तक स्टेयर से, वो भी तो मुझे लगा थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, इसलिए वी कैन हैव समोसा. सो थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट मंदिर की स्टेयर्स की ओर. एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है जो बंद हो चुका है, वी आर लेट एक्चुअली. तो हमारी यात्रा शुरू होती है यहाँ से, बट यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गई, कॉज आगे मंकी है यार, ऐसी डरावनी आवाज आ रही है मंकीज की, और इन्हें यहाँ फुल स्टॉप लग गया है, ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे. और पूरे रास्ते कोई भी नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग ही है जो दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ. देखिए ऊंट से डंडे के साथ खड़ी हो गई है बंदर के अटैक से बचने के लिए. चलो गाइस आगे बढ़ो, और हम मंकी से बच के आए. हेलो डॉगू, इसको ले चलते हैं. और हमें इतने खतरनाक मंकीज मिले ना लिटरली. और अब हमें चलना है 350 क्या था मीटर अपनी मंगल यात्रा तय करते हुए. अभी हमारी हालत खराब हो चुकी है, एज यू कैन सी. मंकी का बहुत खौफ है, मंकी का खौफ छोड़ो, अभी मुझे चलने को भी ऐसा लग रहा है यार. चलिए अगर डेली थोड़ा. और मंकी कब से चल रही ही रहे है, और शाम से अंधेरा हो चुका है, कोई भी नहीं है यार. मुझे लगा तो कोई तो लोग तो मिलेंगे, हमें कोई है ही नहीं. फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैना देवी टेम्पल के प्रांगण में. मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी टेम्पल, टेम्पल का व्यू, नाइट व्यू, एवरीथिंग. अभी चल रही है आरती, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हम दर्शन कर सकते हैं. शाम की आरती चल रही है. ये है एक बड़ा सा पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पर काफ़ी अट्रैक्टिव है. एंड वो लोग सब सामने को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आगे को. एंड ये है टेम्पल, नैना देवी टेम्पल. और अभी यहाँ चल रही है आरती, हम भी आरती में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कब मंदिर खुलेगा, कब हम दर्शन करेंगे. आप कुछ कहना चाहोगे दीदी? नहीं यार, मंदिर वाले टाइम पे मैं म्यूट थी. जय नरनारायण,
तो हमारा इंतजार खत्म हुआ और अभी हम दर्शन करने वाले हैं मंदिर में जाकर अंदर। अभी यहाँ लाइन में खड़े बहुत ज्यादा ठंड है। ओह गॉड सच में। एंड हम मंदिर से दर्शन करके आरती करते सब कुछ करके निकल चुके हैं बाहर की ओर प्रसाद लेते हुए। क्या दिखाना है? अच्छा उधर गुफा भी है, अभी हमें थोड़ा सा गुफा जाएंगे। वाह इतना मजा आ गया ना आज यार, इतना प्यारा दिन था। ओ गॉड अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लिटरली डांट पड़ी है अंदर पता है। तो इट वॉज ग्रेट डे, अमेजिंग यार, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। आज का दिन इतना प्यारा दिन था ना, बहुत अच्छा गया है अभी तक तो, बिल्कुल स्मूथ। अभी हम नैना देवी टेम्पल में दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके अभी बस निकल रहे हैं गुफा को। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग बैक। बहुत ठंड हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है और अंधेरा भी हो चुका है काफी। और इतना सारा सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रूम वापस। इट वॉज रियली ग्रेट डे, मतलब इतना एंजॉय करा आज हमने, इतनी सारी जगह गए एक दिन में, इतना कुछ कवर करा हमने ऑल ओवर। इट वॉज गुड, आई एंजॉयड अ लॉट और सबको बहुत ज्यादा मजा आया। गुड से पूछती हूँ उसे कैसा लगा। सो हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस गुड्स? अभी हम थके हारे चेंज वगैरह करके बैठे हैं हीटर के साथ, मतलब हीटर के बिल्कुल ऊपर ही बैठ गए। इट्स टू कोल्ड हेयर यार, मतलब इतनी ठंड है ना, बिलासपुर में भी ठंड है। मुझे मतलब ये बात एक्सेप्ट करने में भी काफी वक्त लगेगा, पर यहाँ ठंड है यार। सुबह तो इतनी ज्यादा ठंड थी ना, मुझे चिड़ हो रही थी ठंड से लिटरली। तो गुड्स बताएगी उसे आज का सफर कैसा लगा। हाउ अबाउट सफर? अच्छा था। पहले कीरतपुर गए, फिर आनंदपुर साहिब गए, फिर नैना देवी टेम्पल गए। वाओ एवरीथिंग वाज अमेजिंग। मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई यार गुरुद्वारा, और मतलब ऐसे मैं गई नहीं थी कभी इतने बड़े गुरुद्वारा में। वो शायद सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुड्स पंजाब का, या फिर ऐसे कुछ वो है, वो सेवन वंडर्स में से एट वंडर बोला जाता है उसे, ऐसा कुछ है। तो इट वॉज विरासत-ए-खालसा। हाँ विरासत-ए-खालसा एग्जैक्टली। बट हमें वहां तो जाने का मौका नहीं मिला यार, वो पता नहीं क्लोज है 31st तक। एंड वन मोर थिंग, हम नैना देवी टेम्पल गए थे, काफी पॉजिटिविटी है यार वहाँ, अच्छा लगा मुझे वहां जाके भी। वैसे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं मंदिर वंदिर जाती नहीं हूँ, ऐसे घूमने के लिए ही सही, पर मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाके भी। एंड हम वहाँ आरती के टाइम के लिए पहुंचे, वो बहुत अच्छी बात थी। तो हम सारा इंजॉय करके आए, मस्त बंदरों से बचते हुए पहुंचे वापस रूम। एंड गुड्स एनीथिंग एल्स तुम कहना चाहोगी कुछ? दैट्स इट नाउ, सी आई नेक्स्ट व्लॉग। तो बनी रही हमारे साथ और मैं बताती हूँ आपको और हम कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट। कहाँ जाने वाले गुड्स? पता नहीं। So it's a secret, I will let you know soon. Bye bye, see you in next vlog. Stay tuned, don't forget to like, share, subscribe and comment.